स्टडी इन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया विदाउट आईलेट्स वेरी लो चार्जेस एक्सीलेंट वीजा सक्सेस रेट नेक्सन वीजा कंसल्टेंट 1090 रामगोपाल स्ट्रीट विशन स्वरूप कॉलोनी पानीपत कॉन्टेक्ट नंबर 9094200484 सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले संगीत में वो ताकत है आप कहीं भी हैं उस अनुभूति को आप पा सकते हैं। कभी एक बहुत अच्छी सी नज़्म सुनी थी प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं सुर इंसान बना देता है सुर रहमान मिला देता है सुर की आग में जलने वाले दीवाने नादान नहीं मैं अभिभूत हूँ हैरान भी हूँ इतने छोटी सी उम्र इन सभी बच्चों की और जिस तन्मयता जिस गहराई के साथ उन्होंने उन शब्दों को आत्मसात किया होगा और अपने सुरों को ढाला होगा मैं नमन करती हूँ उन सभी सुरों के पुजारियों को जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है। एसटीवीएम सीनियर विंग द्वारा ये जो भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है वास्तव में ये भजन संध्या होती है आज भजन पूर्वाहन था फॉरनून थी उसकी पूरी ये एक अद्भुत कार्यक्रम है जहाँ बच्चों को बच्चों में छिपी सुरीली प्रतिभा है उसको निखारने का तो प्रयास किया ही जाता है वहाँ हर धर्म से संबद्ध गीतों को भजनों को गाने के लिए उन्हें प्रेरित करके और उन शब्दों को मैं समझती हूँ कि जब बच्चे ये गाते होंगे तो उन सभी शब्दों को आत्मसात भी तो करते होंगे तो वो सौहार्द का एक वातावरण बनाने का भी जो प्रयास है ये एक अद्भुत है और इतने छोटे छोटे बच्चों में इतनी टैलेंट होना और वो जिस तन्मयता के साथ वो गा रहे थे वो सचमुच अभिभूत करने वाला अनुभव था जिसके लिए पूरी एसटी एजुकेशन सोसाइटी और विशेष रूप से एसटीवीएम के प्रिंसिपल साहिबा सबिता चौधरी जी उसके लिए बधाई के पात्र हैं कि वो जो तैयार कर रहे हैं वो नागरिक हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द के साथ जुड़े होंगे धर्म के भाव को आत्मसात किए होंगे इस दृष्टिकोण से उनका ये अमूल्य योगदान है। भावुक होने के लिए कोई शब्दों की दरकार नहीं होती भाव जहाँ टकर जाता है मन के भाव के साथ तो बड़ा स्वाभाविक है द्रवित होना। द वे दीज चिल्ड्रन सैंग बानी का जो भजन था नानक जी का सचमुच कुछ बह निकला वो बच्ची जो गा रही थी जिस तरह से उसने अपने भाव व्यक्त किए मैं सचमुच अभिभूत हूँ।
आज हमारा कार्यक्रम भजन संध्या है। हमारा हर साल ये कार्यक्रम होता है। हमने इस साल सोचा कि हम थोड़ा सेशन के बिगिनिंग में ही इस कार्यक्रम को रखेंगे। हमारा मकसद होता है बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिले, प्रभु में उनकी आस्था बढ़े, अच्छे बुरे का उनको भेदभाव पता चले और जैसे जैसे बड़े हों प्रभु के साथ उनका लगाव बना रहे, हमेशा रहे। तो ये कार्यक्रम करवाने का ये मकसद है। जी जी, और हम बहुत आभारी हैं हमारे डीसी मैम की। उनका बहुत प्रेम बहुत स्नेह हमें मिलता है। उन्होंने आज अपने बहुत व्यस्त शेड्यूल में से भी समय निकाला हमारे बच्चों के लिए, तो मैं बहुत आभारी हूँ डीसी मैम की। पार्टिसिपेट कौन सी क्लास के बच्चे करते हैं? छठी से लेकर पाँचवीं से लेकर बारहवीं तक के बच्चे हैं इसमें। तो आज इस कार्यक्रम में क्या क्या होगा? भजन है, तकरीबन सारे ही भजन हैं। शुरुआत आपने गणेश वंदना से सुनी है, उसके बाद भगवान कृष्ण जी का है, फिर भगवान शिव जी का है, माँ अम्बे का है, आपको सभी तरह के भजन इसमें मिलेंगे। तरीके के संस्कार जो है आजकल बिल्कुल लुप्त होते जाने लग रहे हैं, और आज मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे जो संस्थान है एसडी संस्थान जो है बच्चों के अंदर इस तरीके से संस्कारों के अंदर फूट फूट के भरे हुए, और आप दिखाइए आपने कि किस तरीके से बच्चों ने कितना आनंद के साथ जो है कितना उत्साह के साथ जो है आज पूरा संध्या जो भजन संध्या किया है। और हमारे डीसी मैम भी आई, उनको भी आज इतना ज़्यादा वो भावुक हो गई बैठे बैठे कि लग रहा था कि वाकई में हम जो है वो भजन में हो गए हैं सभी के सभी। और मेरा तो बेटा भी इधर ही पढ़ता है, 14 साल हो गए हैं उसको यहाँ पढ़ते हुए। मेरे को गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ इस स्कूल में ऐसे संस्कारी वाले जो स्कूल के अंदर जो है मेरे बेटा पढ़ता है इसके अंदर। और मैं तो यही कहूँगा सभी को कि बच्चों के अंदर जितना हम संस्कार दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई तो सब चीज़ चलती है, लेकिन जो संस्कार हैं, संस्कार जिस स्कूल में मिलते हैं वही एक अच्छा स्कूल आदर्श स्कूल माना जाता है। आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और बहुत मतलब उस हमारे स्कूल से बहुत यादें हैं और हम सारे वो मेमोरीज हमारी रिफ्रेश हुई है। और आज का जो सब कुछ था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, स्पेशली वो जब वो कृष्ण जी वाला जो भजन था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और ओवरऑल बहुत अच्छा था आज का। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी मेमोरीज है, स्कूल बहुत अच्छा है ये, और बस हमेशा याद रहेंगी ये मेमोरीज। यहाँ की टीचर्स इतनी अच्छी है, इतनी फ्रैंकली और इतने अच्छे से सबसे बात हुई है, और बहुत अच्छा स्कूल है ये कि बहुत अच्छा है ये स्कूल बहुत ज़्यादा। मतलब हमें अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो इस स्कूल में हमें हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्कूल वाले। अगर हम देखो तो हमारा इतना अच्छा बोर्ड लगा, हमें ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी फ़ोटो लगाते हैं स्कूल वाले स्पेशली एक बोर्ड पर, न्यूज़पेपर पर भी अच्छी इंटरव्यू देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है स्कूल में, इस स्कूल के बारे में। और परफॉर्मेंस का क्या कहना, हर बार परफॉर्मेंस अच्छी ही जाती है स्कूल की, कोई भी परफॉर्मेंस हो। यार किशन जी की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, इतना अच्छा डांस विद भजन स्पेशली बहुत अच्छा लगा।